अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामईन, उम्मीद है कि आप हजरात खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हज 2023 की फ़्लाइटें जाना शुरू हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं और वहां के नज़ारों से लुत्फ अंदोज़ हो रहे हैं। जो लोग बचे हैं, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उन्हें भी खैर वाफियत के साथ मदीना मुनव्वरा और मक्कतुल मुकर्रमा की ज़ियारत नसीब फरमाएँ, और जो भी रुकावटें, मुश्किलें, परेशानियां आ रही है अल्लाह ताला उन सबको दूर फरमाएं, और जिन लोगों की फ़्लाइट नहीं आई है अल्लाह ताला उनकी भी जल्द से जल्द फ़्लाइट दिलवा दें। दोस्तों, इस वक्त में कई सारी बातें आपको जो है ज़रूरी बताना चाहता हूं, और आप हजरात ने जो सवालात किए हैं उनका भी जवाब देना चाहता हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूँ के महमूदाबाद के पास एक गांव है सीतापुर, वहां के दो हाजियों को जो है एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया है। इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा, पूरा वाकया आप तफसील से सुने कि क्या हुआ, आखिर इन हाजियों को क्यों घर भेज दिया गया, ऐसी क्या वजह हुई। ये रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के गाँव सदर के रहने वाले मोहम्मद शरीफ अपनी बेटी रिहाना खातून के साथ सफर हज पर रवाना होने के लिए गुज़िश्ता रोज़ ही लखनऊ में वाक़ हज हाउस पहुंच गए थे। तमाम तर कार्रवाइयों के बाद अहले खाना उन्हें मुबारक सफ़र पर रुख्सत करके चले गए थे। मोहम्मद शरीफ भी अपने कवर में शामिल बेटी के साथ हज हाउस में आज़मीन हज को लेकर एयरपोर्ट जाने वाले बस में सवार होकर एयरपोर्ट पहुंचे। हज हाउस में आर्जी तौर पर बनाए गए अस्पताल के कमरे में आराम कर रहे मोहम्मद शरीफ ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि हज हाउस से बस में बैठा तो घबराहट और बेचैनी का एहसास हो रहा था। बाद में ये एहसास मज़ीद बढ़ गया, जिसके बाद वहां मौजूद स्टाफ को हमारी बेटी रिहाना ने इत्तला दी, जिसके बाद डॉक्टर ने चेक किया और ब्लड प्रेशर 200 के करीब था। तिब्बी अमले ने परवाज़ करने से मना कर दिया, जिसके बाद हम वापस हज हाउस आ गए। मोहम्मद शरीफ ने बताया कि अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह मेरी घरेलू परेशानियां हैं। बीवी का कई बरस पहले इंतकाल हो गया था। बेटे की शादी के बाद उसकी लाश एक सुनसान इलाके में मिली थी। आज खुशी के लम्हों में ज़िंदगी का वो मुश्किल भरा लम्हा याद आ गया, और बेचैनी और घबराहट इस कदर बढ़ गई कि मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं हो सका। वह अपने घरेलू परेशानियों और मरहूम बेटे से जज्बाती लगाव की यादों का जिक्र करते हुए अश्कबार हो गए, आंसू बहाने लगे, और यही वजह रही कि उनके मदीना पहुँचने का इंतज़ार तवील हो गया। मोहम्मद शरीफ ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर जब तबीयत बिगड़ी तो उस वक्त डॉक्टरों से बर्जस्ता कहा कि अगर तबीयत में बेहतरी हो तो मुझे भेज दिया जाए, लेकिन उन्होंने आराम करने के लिए कहा। इसके बाद से वो हज हाउस में डॉक्टरों की निगरानी में आराम कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी और उनको दोबारा सफर हज पर रवाना किया जाएगा। रियासती हज सिक्योरिटी SP तिवारी ने बताया कि हज कमेटी ने उनकी तमाम तफसीलात को मरकज़ी हज कमेटी मुंबई भेजा है। वहां से रहनुमाई मिलते ही उन्हें मुबारक सफ़र के लिए रवाना किया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि आज़मीन हज को जल्द अज़ जल्द रवाना किया जाए। दोस्तों, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग जो है फ़्लाइट से डरते हैं, घबराते हैं, ख़ासतौर से हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े ज़यीफ़ हैं, कमज़ोर हैं, वो घबराते हैं कि पता नहीं क्या होगा। कोई कहता है कि उसमें झटका लगता है, डर लगता है, एकदम ऊपर हो जाती है। इस तरह की बातें जहन में लेकर आदमी परेशान होता हो जाता है। एक हाजी का हमें पासपोर्ट बनवाना था, तो हमने जैसे अप्लाई कर दिया और अपॉइंटमेंट हमें मिल गया, तो हमें जिस तारीख में जो है वहाँ जाना था, पासपोर्ट ऑफिस जाना था, तो वो आदमी इतना घबरा रहा था, यहाँ तक के जो है सवारी तक पहुँच गया, अपने गांव के अड्डे पर पहुँच गया और वहाँ जाकर कहने लगा कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं नहीं जा सकता। तो इतना घबरा गया कि हमने उसे बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, आखिर घर वापस चला गया। तो दोस्तों, लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। देखिए, एयरपोर्ट में जाने के बाद आपको जो है अच्छी तरह से नाश्ता कराया जाता है, खाना खिलाया जाता है, वहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। और एरोप्लेन में जब आप बैठेंगे और वो सफ़र पर आप जो है रवाना होंगे,
जैसे ही हमारा जो प्लान है वो ऊपर उठेगा तो हमें महसूस भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब मैं उठ गया। दिन में तो सारी चीज़ें नज़र आती है, रात में तो पता ही नहीं चलता कि ये ऊपर हो गया या अभी नीचे ही है। ये तो महसूस होगा कि हाँ एकदम बहुत तेज़ रफ्तार के साथ भागा है, उसके बाद किस वक्त ये ऊपर उठा है, कब ये सीधा हुआ, कब कहाँ पहुँच गया, नहीं पता चलता। और अंदर बिल्कुल सुनसान, न बिल्कुल हिलता है न कुछ होता है, और बहुत आदमी सब आराम से बैठे रहते हैं, और कुछ देर के बाद वहाँ एसी वगैरह चलती रहती है। तो मौसम ठंडा होने की वजह से जब दिमाग को और बदन को सुकून मिलता है तो नींद आने लगती है, इंसान सो जाता है। तो आप बिल्कुल ना घबराए, बहुत सारे लोग अपनी पुरानी बातों को याद करके, घर वालों को याद करके, बच्चों को याद करके रोने लगते हैं, दिल छोटा करते हैं, जिससे घबराहट बढ़ जाती है। ख़ास तौर से जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिनका बीपी कम ज़्यादा हो जाता है, और जिन्हें दिल की बीमारी है, उन सब से मेरी गुजारिश है कि बिल्कुल ना सोचे, अल्लाह का जिक्र करते रहें, दरूद शरीफ पढ़ते रहें, और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्तग़फार पढ़ते हुए जो है रवाना हो जाए। इंशाल्लाह कुछ नहीं होने वाला, और जो भी आपको तकलीफ़ है, इंशाल्लाह जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे और जमजम पियेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको जो है दवा की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप हजरात ने जो सवाल किए हैं मैं आपको बता दूँ। एक भाई ने सवाल किया है कि हज पिलग्राम लॉगिन करने पर अपलोड अदर डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, इसका क्या करना है? भाई आप सबसे पहले बताएं कि आपकी फ़्लाइट आई है नहीं। फ़्लाइट की डेट अगर आ गई है फिर तो आप इसे इग्नोर करें, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी अभी फ़्लाइट भी नहीं आई, दिक्कत आ रही है, तो आप समझें कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ दिक्कत है, या आपने हो सकता है कि वैक्सीन का सर्टिफिकेट डाउनलोड ना किया हो, तो वैक्सीन दो पूरी ना लगवा रखी हो। तो अगर ऐसा है तो आप फ़ौरन जो है अपना जो है वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है उसे वहाँ अपलोड कर दें। और अगर सारी चीज़ें आपने दे रखी है तो आप एक मरतबा हज कमेटी के फ़ोन नंबर पर रابطہ करें और उन्हें ये बातें बताएं। और अगर आपकी फ़्लाइट आ गई है फिर टेंशन ना लें। इसी तरह से एक भाई ने पूछा है कि अहराम जो है 2.5 मीटर का दो कपड़ों में किस माप का करना है? कपड़े का जो पन्ना है वो 1.5 मीटर है। भाई 1.5 मीटर भी ठीक है, 1.25 मीटर भी अच्छा रहता है, ये तो आदमी की हाइट के हिसाब से। अगर आप जो है ज़्यादा लंबे तड़ंगे हैं तो खूब बड़े हैं तो आप जो है को जो है 1.5 मीटर भी सही है, और अगर आपका कद छोटा है तो आप उसे 1.25 मीटर कर लें, ज़्यादा ही छोटे हैं तो 1 मीटर में भी जो है काम चल जाएगा। इसी तरह से जावेद भाई ने पूछा है कि रांची झारखंड वालों की कब फ़्लाइट आएगी? भाई रांची झारखंड वालों की फ़्लाइट इंशाल्लाह जल्द ही आने वाली है, अभी उनका ऐलान नहीं हुआ है, उम्मीद यह है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा। अदनान जमाल भाई ने पूछा है कि हज़रत मेरे यहाँ सब की डेट आ गई है पर मेरे वालिदैन की फ़्लाइट की डेट नहीं आई है। भाई आप जो है पहले ये लिखा करें कि मैं फ़ला जगह से हूँ, फ़ला स्टेट से हूँ, फ़ला एम्बारकेशन से हूँ, और मेरा कवर नंबर ये है और मेरी जो है डेट नहीं आई है, तो उसके बाद कुछ बताया जाएगा। इस तरह से कुछ पता ही नहीं कि आप कहाँ से हैं, इस तरह मालूम नहीं होता। झारखंड के हाजियों से मेरी गुजारिश है कि अभी वो थोड़ा सब्र करें, इंशाल्लाह 2-4 दिन में उनकी फ़्लाइट की डेट आ जाएगी, इंशाल्लाह आपको फ़ौरन बता दिया जाएगा। हारिस सिद्दीकी भाई ने पूछा है कि हज फार्म भरते समय कुर्बानी का ऑप्शन ऐड किया था, कुछ लोग कहते हैं कि वो कुर्बानी हज की है, एक कुर्बानी जो हम यहाँ हर साल करते हैं वो करनी होगी। जी हाँ, वो सही कह रहे हैं, हज में जो हम कुर्बानी करेंगे वो सिर्फ हज की कुर्बानी है, जिससे हज मुकम्मल होता है, वो भी हज के अरकान में से है। यहाँ जो हम हर साल कुर्बानी करते हैं वो अलग से, जो कि तो हमें यहाँ करनी होगी, उसके पैसे आप दे करके चले जाएँ, घर वालों को कह दें कि आप कुर्बानी कर दें, और आपको वहाँ जो कुर्बानी करनी है वो हज की कुर्बानी है। इसी तरह से मोहम्मद जफ़र भाई ने कहा कि वापसी में खजूर कार्टून में ही आएगी। नहीं भाई, आप जो है अपने बैग में भी रख सकते हैं और कार्टून में भी ला सकते हैं। मोहम्मद जफ़र भाई ने कहा है कि मैंने पिछली वीडियो में ये पूछा था कि 2 दिन पहले हज कमेटी में डॉक्यूमेंट लेने के बाद जिस दिन की फ़्लाइट डेट है उस दिन एयरपोर्ट जाना है या हज कमेटी? भाई उस दिन आपको सीधा एयरपोर्ट ही जाना है। अगर आप हज कमेटी जाना चाहते हैं तो 2 दिन पहले आपको वहीं रहना होगा 2 दिन तक, और वहीं से हज कमेटी वाले आपको जो है एयरपोर्ट खुद ले जाएंगे, वो सब काम खुद करेंगे। अगर आप 2 दिन पहले नहीं जाना चाहते हैं तो जिस दिन की फ़्लाइट है उस दिन डायरेक्ट आप जो है एयरपोर्ट जाएंगे।
इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि अजीज़िया में खाना बनाने की परमिशन है, हज़रत रहनुमाई फरमाए। जी हाँ, अजीज़िया में खाना बनाने की परमिशन है, आप खाना बना सकते हैं, सिर्फ मक्के में, मदीने में नहीं। इसी तरह से शरीफा बहन ने पूछा है कि हैंड बैग 60 cm का ले जा सकते हैं। जी हाँ, ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से नसरुल्ला भाई ने पूछा है कि मैंने कुर्बानी गवर्नमेंट से दिया, उमरा को कैसे कैसे मालूम पड़ेगा कि कुर्बानी दिया कि नहीं? शैतान को कंकर मारने के लिए कैसे मालूम पड़ेगा? देखिए, अगर आपने हज कुर्बानी से, वो हज कमेटी से कुर्बानी को यस किया है, तो हज कमेटी की तरफ से वहाँ जो मालिम होगा आपका, वो 7 तारीख में आपको एक टोकन देगा और उस वक्त भी वो बताएगा कि फला वक्त जो है आपकी कुर्बानी हो जाएगी। तो उस वक्त से पहले पहले आपको कंकर मारनी है। अगर आपने उस वक्त के बाद कंकर मारी तो आपके ऊपर दम पड़ जाएगा, या कुर्बानी और आपको देनी पड़ेगी। इसी तरह से नसरुल्ला भाई ने पूछा है कि हाजी साहब, ये जानना है कि खाना जो है बेहतरीन बना कर के क्या ले जाएं? भाई, घर से खाना बना कर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एयरपोर्ट में घुसते ही नाश्ता मिलेगा, एयरपोर्ट जैसे उड़ेगी नाश्ता मिलेगा, उसके घंटे डेढ़ घंटे के बाद फिर खाना मिलेगा, 2-3 बार खाना आपको जो है फ़्लाइट में भी मिलेगा, उतरने से पहले भी मिलेगा, और जब आप बिल्डिंग पर जाएंगे तो बहुत से जो मुअल्लिम होते हैं वो भी खाने का एक वक्त का खाना हाजियों को दे देते हैं। इसी तरह से मोहम्मद जीशान भाई ने पूछा है कि 2 ग्रुप थे, एक की फ़्लाइट 21 को हो गई, दूसरे की नहीं आई है, कुछ बताएं? भाई, दूसरे की भी आ जाएगी इंशाल्लाह, आप थोड़ा सब्र करें। देखिए, आगे पीछे आती है, सबकी बराबर नहीं आती, आपकी भी आ जाएगी। अहमद रज़ा भाई ने पूछा है कि उड़ीसा से हमारी फ़्लाइट मदीना जाएगी, हम अहराम कब बांधेंगे? भाई, मदीना वाले अहराम जो है यहाँ से नहीं बांधेंगे, वो मदीना जब 8 दिन रहने के बाद वहाँ से रुखसत होंगे, बस में वहाँ से जाएंगे, तो मदीना निकलते ही एक मस्जिद जुल हलीफा के नाम से मस्जिद आएगी, वहाँ बस वाला रोकेगा, वहाँ आपको अहराम मानना होगा, वहाँ से उम्रे की नियत आपको करनी होगी। इसी तरह से दोस्तों, ये आप हजरात के सवाल थे जिनका मैंने अच्छी तरह से जवाब दे दिया है। अब मेरी गुजारिश आपसे ये है कि वक्त बहुत कम बचा है, आप जो है बिल्कुल अच्छी तरह से जिससे लड़ाई झगड़ा है सलाम मुसाफा कर लें, किसी का कुछ पैसे मार रखा है उसका पैसा दे दें, किसी के ऊपर जुल्म किया है उससे माफ़ी मांग लें, यानी हर तरह से अपने आप को बिल्कुल पाक साफ करके वहाँ जाएँ। अल्लाह के घर में आप जा रहे हैं, बहुत से लोग हाजी जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते, वहीं इंतकाल भी हो जाता है, बहुत मुकद्दस जगह है, अगर वहाँ हो जाए दुनिया दुआ करती है। बहरहाल, लेकिन एक अजीब मंजर देखा है कि हर आदमी यहाँ दुआ करता रहता है कि अल्लाह मदीने की मौत नसीब फरमा, मदीने की मौत नसीब फरमा, और जब मदीना चला जाता है तो फिर कहता है या अल्लाह खैर वाफियत के साथ मुझे घर पहुँचा दे, और जो भी फ़ोन करता है उसे भी कहता है भाई दुआ करना अल्लाह मुझे सही सलामत घर ले आए। तो यहाँ से दुआ मदीने की और वहाँ जाकर के सोचता है कि मैं यहाँ मर ना जाऊँ, बहरहाल वहाँ की मौत अच्छी मौत है अगर आ जाए तो। इसलिए हमें यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरह से फारिग होकर के जाना है, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा किसी से ना हो, सबसे माफ़ी तलाफी कर कर के आपको जाना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।